जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिल जाए करें। कचारिया सिरामिक इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे। और मैं पहले बता दूं कि ये कंपनी या ये स्टॉक मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, इसका जो मैनेजमेंट है और इसके जो फंडामेंटल्स हैं, तो समय समय पे अलग अलग मैं तरीके के स्टॉक्स बताता रहता हूँ, लेकिन कुछ कंपनियाँ इतनी अच्छी होती हैं और आने वाले समय में इतना अच्छा रिटर्न बना के देंगी और पिछले 10 सालों में दिया भी है, वो भी मैं बताऊँगा। तो क्या होता है कि कुछ कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, उनको कतई बेचना नहीं चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे कचारिया सिरामिक की। जिस प्रकार से हमारे भारत देश में हर इंसान, हर युवा, हर परिवार का एक सपना होता है कि हमारे पास खुद का घर हो, घर हो तो उसमें सजावट हो, सजावट हो तो किस प्रकार की फ्लोरिंग हो, लोग बड़े दीवाने होते हैं हमारे यहाँ तो सजावट का। देखिए अब जिस प्रकार से यहाँ पे डाइनिंग हॉल, रूम, किचन, वॉल फ्लोरिंग और जिस प्रकार से करते हैं, अलग अलग टाइल्स, अलग अलग डिज़ाइन के, इनकी इतनी डिमांड है आज के टाइम पे। और खूबसूरती बनाए रखने में हम लोग कम नहीं होते, इस प्रकार से चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, सजावट के लिए बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट्स के जो इनके टाइल्स हैं, वो इनका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना और सप्लाई करना। इनकी शॉप्स और इनकी फ्रेंचाइजी सब जगह उपलब्ध है। तो बढ़िया प्रोडक्ट्स, बढ़िया मैनेजमेंट, बढ़िया फंडामेंटल और गुड क्वालिटी कंपनी। तो चलिए हम इनके फंडामेंटल भी कुछ देख लेते हैं किस प्रकार के हैं। हाँ, 474 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा है। जुलाई 30 है 2019, 12:35 पे। और NSE पे भी देखिए 475 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा है। जो साल का लो था वो 310 रुपये और हाई था 649, यानी 650 मान के चलते हैं। तो काफ़ी हाई से अपने नीचे पे आ चुका है ये। और मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि अभी और थोड़ा ही नीचे जाना चाहिए। जिस प्रकार से बाज़ार में गिरावट है, बिकवाली का दौर शुरू है, और भी कई कारण इनके क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी थोड़ा सा अच्छे नहीं, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छे, वहाँ भी हम दिखाएंगे। अभी थोड़ी सी क्वार्टरली कम अच्छे आए हैं और एक दो क्वार्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी दिग्गज कंपनियों में। तो कंसोलिडेटेड अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट कैपिटल है 7,554 करोड़ के, एक ज़बरदस्त EPS है 14.60 का, पी रेशियो है 32.55 का, जबकि इंडस्ट्री पी है 29 की, प्राइस टू बुक है 4.06 और फेस वैल्यू 1 की रह गई है, डिलीवरी है 33% के आसपास। बैलेंस शीट पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे कर्जे के नाम पे कुछ भी नहीं है, 9 करोड़ 80 लाख के आसपास कर्जा, जबकि ये नथिंग है ना, क्योंकि इनका नेट प्रॉफिट ही देख लीजिए कितना आता है, तो चाहे तो एक बार में ख़त्म कर सकते हैं, तो छोटा मोटा कोई होगा कर्जा। एनीवेज हम देखते हैं मार्च 19 से जून 19 के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स में, तो यहाँ पे जो नेट सेल्स थी मार्च 19 में 734 करोड़ की, वो हो गई जून 19 में 639 करोड़ की, थोड़ी सी डाउनसाइड है नो डाउट। और नेट प्रॉफिट में अगर हम सीधे आते हैं तो मार्च 19 में जो थी 68 करोड़ के आसपास, वहीं हो गई जून 19 में 56 करोड़ के आसपास, यहाँ भी थोड़ी सी डाउनसाइड है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर यानी जून 18 से जून 19 में कंपेयर करते हैं साल के, साल दर साल, तो यहाँ पे जून 18 में जो 657 करोड़ की थी, वहीं जून 19 में हो गई 699 करोड़ की, जो कि एक ज़बरदस्त 6.54% की अपसाइड है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 9.46% की अपसाइड है। नेट प्रॉफिट में भी यहाँ जहाँ 45 करोड़ के आसपास थी जून 18 में, वहीं जून 19 में हो गई 51 करोड़ के आसपास, जो कि 11.94% की अपसाइड है। वहीं पे मार्जिन में भी यहाँ पे अपसाइड है 0.0440% की। तो शानदार ईयर ऑन ईयर के रिजल्ट्स हैं और क्वार्टरली रिजल्ट्स में थोड़े से झटके हैं, लेकिन उतना चलता है। प्रमोटर सबसे हाईएस्ट होल्डिंग है इनके पास 47.58% की, और फिर उसके बाद है FIIs 26% की इनकी होल्डिंग है, जबकि 161 FIIs इसमें होल्डिंग बनाए हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स की 24 स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस के भी हैं, और इंडिविजुअल हैं 11.35% के आसपास। और देखिए FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की हुई है जून 19 में, तो शानदार कंपनी नो डाउट, इसमें दो राय नहीं। और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से पिछले साल दिया था, इस साल भी देगा। और अपनी कंपनी में, अपनी इंडस्ट्री में नंबर वन है, लीडर है सिरामिक एंड अलाइट, टाइल्स वगैरह बनाने वाली ज़बरदस्त कंपनी है। और अगर हम इसके रिटर्न देखते हैं 10 सालों में तो 2400% के आसपास है, यानी कि अगर आपने 100,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो आपके हो गए थे 25 लाख,
वहीं 5 सालों में 52% की रिटर्न है, 4 सालों में 27% की रिटर्न है, लेकिन 3 सालों से लगातार नेगेटिव में रिटर्न है क्योंकि काफ़ी गिरावट आ चुकी है। हालांकि 1 साल में अभी यहाँ FD वाला रेट मिल रहा है 8.21% की पॉजिटिव रिटर्न है, उसके बाद ही लगातार इसमें गिरावट है। तो अगर हमें काफ़ी पुराने प्राइस पे मिल रहा है, मान लीजिए कि हमें 4 साल के भाव पे मिल रहा है, आज स्टॉक इस हिसाब से गिरावट चल रही है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके शेयर्स अपने आप ने अगर पोर्टफोलियो में रखे हैं, जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं वो तो बने रहें, वो बेचने की फिर भी गलती ना करें, जो नए इच्छुक हैं तो वो थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी और गिरावट आ सकती है, उस समय एक अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि अभी फेयर वैल्यूएशन पे है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे भी आने दीजिए। और जो जिन लोगों के पास नहीं है वो चाहें तो थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, वो इसमें जब और नीचे के लेवल पर आए थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि लंबे समय के लिए जिस प्रकार से भारत में ग्रोथ होनी है, घर बनने हैं, सबको आवास मिलना है, तो हर इंसान चाहेगा कि टाइल्स अच्छी हो, फ्लोरिंग अच्छी हो, घर अच्छा हो। तो ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं और यहीं पे वीडियो मैं वाइंड अप करूँगा। फ्रेंड्स, अच्छी कंपनी के बारे में आज मुझे बताने अवसर मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।